हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं LBS केरला पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2020 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, केरला पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिलीज हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन उसे दबाना ना भूले, ताकि अगर केरला पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग का कोई भी नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, कोई भी न्यूज आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं केरला पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग 2020 एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। तो गाइस, सबसे पहले सवाल ये होता है कि इसकी ऑफिशियल लिंक जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का आपको कहां से मिलेगी। तो गाइस, उसके लिए मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दिया है। आपको सिंपली क्या करना होगा, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करना होगा। अब गाइस, जैसे आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब आप लोगों के सामने जो वो ओपन हो जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे आने सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपसे जो पर्सनल डिटेल्स पूछी जा रही है, आपका यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है, इनिशियल आफ्टर नेम। तो आपको सबसे पहले आप लोगों का जो यहाँ पे नाम है वो आपको एंटर कर देना होगा, और नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका एड्रेस पूछा जा रहा है। सो गाइस, यहाँ पे जो आपका हाउस नंबर जो है वो नंबर आपको यहाँ पे एंटर कर देना होगा, हाउस नंबर आपका जो भी है, स्ट्रीट नेम जो भी है, लाइक हर किसी के जो एरिया का स्ट्रीट नेम होता है, स्ट्रीट नेम आपको आपको जो है एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको प्लेस लिख देना, कौन सी प्लेस पे, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो है डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे कोलम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया, स्टेट केरला ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस के आपके वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको जो है लिख देनी है, आपकी जो भी पोस्ट ऑफिस आपको वहाँ पे रहती होगी। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे पिन कोड पूछा गया है, तो आपके वहाँ का जो भी पिन कोड होगा आपको वो पिन कोड एंटर कर देना होगा वहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है मोबाइल नंबर डालना होगा, उस मोबाइल नंबर जो वैलिड मोबाइल नंबर है उसमें आपको जो एक SMS भेजा जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है आपका मोबाइल नंबर जो है वो एंटर कर देना होगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे लैंडलाइन फोन नंबर वो एंटर कर देना, अगर आपके पास है तो आप एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे ईमेल आईडी पूछी गई है। सो गाइस, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सही वैलिड करनी है, क्योंकि अगर ऑफिशियल अथॉरिटी को आपसे कॉन्टेक्ट करना रहेगा तो मेल और SMS के थ्रू आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो लाइक यहाँ पे मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ, sagarkumar@gmail.com। तो उसी तरह से गाइस, आपको भी अपनी मेल आईडी यहाँ पे सही वैलिड मेल आईडी डाल देनी है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट कर लेना, लाइक मेल या फीमेल। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना होगा। तो गाइस, आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, लाइक यहाँ पे मैंने आपको जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे रिलीजन पूछा जा रहा है, हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम या अदर। तो आपका जो भी रिलीजन, आपको वो रिलीजन सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। और रिलीजन सेलेक्ट करने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे फिर पूछा जाएगा आपकी कम्युनिटी क्या, यानी कि जनरल कम्युनिटी से आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं जनरल। और यहाँ पे कास्ट के रिगार्डिंग पूछा गया है कि आप जो है नॉन क्रीमी लेयर के अंदर अगर आते हो तो यहाँ पे आप जो है सेलेक्ट कर सकते हो येस या नो। तो यहाँ पे अगर आप आते हो तो सिंपली येस पे कर सकते हो, वरना नो पे कर सकते हो। और अगर आप इंटर कास्ट मैरिड कपल हो तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया, अगर इंटर कास्ट मैरिड कपल के आप जो है चाइल्ड हो तो आप यहाँ पे सिंपली टिक कर सकते हो, वरना आपको उससे जो है ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट आपसे यहाँ से पूछा गया कि आप OEC यानी कि एलिजिबल फॉर एजुकेशन कंसेशन हो, अगर आप हो तो आपको येस करना, वरना सिंपली नो रहने देना। और यहाँ पे आपकी एनुअल इनकम पूछी गई है, तो क्या यहाँ पे एनुअल इनकम आप यहाँ पे जो है इसे नॉर्मली अंदाजे के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल के डाल के बता दिया है। और पूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सामने आपने जो भी डिटेल्स भरी, हर एक डिटेल आपको बता दी गई है। और यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फी बता दिया, टोटल 800 रुपीज आपका एप्लीकेशन फी चार्जेस है। उसके बाद सिंपली आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है, और कंफर्म होने के बाद यहाँ पे आपको जो है एप्लीकेशन नंबर आपको बता दिया 2200152, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आपको ये नोट डाउन करके रखना होगा, कहीं पे संभाल के रखना होगा, क्योंकि आगे ये बहुत काम आने वाला है। उसी के साथ अपना जो जो पेमेंट मेथड है, यानी कि अपना जो एप्लीकेशन फी 800 रुपये जो था वो किस तरह से भरना चाहते हैं, फेडरल बैंक चलान के थ्रू या ऑनलाइन नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो मैं डेबिट कार्ड का जो है मेथड सेलेक्ट करके आप उसके बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोग डायरेक्टली इस तरह के न्यू टैब पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी फेड नहीं जाने के, डायरेक्टली आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कोई और अदर नेट बैंकिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड से भरना चाहूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना होगा।
डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद जैसे आपको यहाँ पे टोटल अमाउंट बता दिया कि टोटल जो 800 रुपीज़ आपका अमाउंट रहेगा, और जैसे फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इस साइड पे इस तरह का आपके सामने जो पेज ओपन हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे आपको अपना कार्ड नंबर डाल देना है, यहाँ पे आपका एक्सपायरी डेट डालना है, उसी के साथ यहाँ पे आपको जो अपना CVV नंबर डालना है, कार्ड पे आपको जो नाम है वो डालना है, फिर आपको सिंपली पे क्लिक करके अपना जो पे क्लिक करते गए आपका जो अमाउंट जो है डिडक्ट हो जाएगा आपके अकाउंट से, और आप जो है उसका प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। सो गाइस कि अभी आप लोगों को जो है एप्लीकेशन फिल करने में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, अगर फिर भी कोई भी इशू फेस हो आपको एप्लीकेशन फिल करने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो के माध्यम से हेल्प हुई, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।